गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू रोर एनडीए। दिस इज नरेंद्र खत्री। आज हम लोग वोकैब करने वाले हैं। अब वोकैब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि इसके 20 क्वेश्चन आते हैं और 80 मार्क्स का आता है, तो कितना ज़्यादा क्रूशियल होता है तुम्हारे इंग्लिश के लिए या पूरे एनडीए के एग्जाम के लिए, ये तो तुम लोगों को पता होगा। इसमें बेसिकली हम लोगों के एंटोनियम आता है, सिनोनियम आता है, दोनों के दोनों 10-10 आते हैं, तो 40-40 मार्क्स के हो जाते हैं। अब इसको प्रिपेयर कैसे करना है, अप्रोच कैसे करना है, कौन से, क्या हमारे वो कैप्स कभी रिपीट होते हैं कि नहीं होते हैं, अगर होते हैं तो कितने होते हैं, तो इस सब चीज का जवाब आज तुमको इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखना और ये वाली अप्रोच को लगाना। अब बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है, भैया क्या आपने और भी वीडियो बना रखी है वो कैप की? बिल्कुल बना रखी है सर। हम ये वाली प्लेलिस्ट में जाओगे ना, इंग्लिश की प्लेलिस्ट में, तो यहां पर तुम लोगों को दिख जाएगा, मैंने सब चीज की बना रखी है। ये देखो, स्पॉटिंग एरर की ये दोनों दिख रही होंगी, एंटोनियम सिनोनिम की ये दिख रही होगी, यहां पर भी एंटोनियम सिनोनिम की दिख रही है, दिख रहा है? इडियम एंड फ्रेजेस यहां पर दिखेंगे एरर, फिर यहां पर तुम्हारा ये इंग्लिश का यहां पर वोकैब और दिख रही होगी, ये वोकैब दिख रही है, यहां पर दिख रही है एरर, सब है, ठीक है, ये सब है। यहां पर ये मॉक जो है ये भी अभी रिसेंटली मैंने ये इडियम एंड फ्रेजेस का बता रखा है, ये भी देखना, अप्रोच कैसे करना है, सब कुछ बता रखा है। तो प्लीज जरूर से आई बटन पे वीडियो दिख जाएगी, सारे की सारी वीडियोस तुम्हें मिल जाएगी, जरूर से वहां पर देख लेना। और ये जो प्लेलिस्ट है ना इंग्लिश की, ये मैं लास्ट में तुम्हारे एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा, जरूर से देख लेना। अब कैसे करके प्रिपेयर करना है, ये बेसिकली इस बार का जो एनडीए 1/2023 का पेपर है ना, उससे हम लोग देखेंगे कि आपके क्वेश्चंस कैसे करके आए थे और कैसे करके आपको क्या करना चाहिए, अप्रोच करना चाहिए। अब वही है ना कि आप कितने जो एंटोनियम सिनोनिम पढ़ोगे, है ना, वोकैब की भी तो एक लिमिट होती है ना, तो आप एक लिमिटेड नंबर ऑफ वोकैब पढ़ के भी अपने जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो इंक्रीज कर सकते हो। क्या तुमसे 20 के 20 क्वेश्चंस हो जाएंगे? कभी नहीं होंगे, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चांस होगा कि आपसे हो जाएंगे, बट स्टिल यू कुड एबल टू मेक 14 to 15 वोकैब्स, ये कर सकते हो। कैसे करके, अभी हम लोग अप्रोच देखेंगे कैसे करके होगा, चलो ये वाले से देख लेते हैं। क्या लिख रखा, ड्यूरिंग द पैंडमिक द इंडिजेंट पीपल हैड टू सफर अ लॉट। इस बार का ये एनडीए 1/2023 का है, तो ऐसा मत सोचना कि भैया तुम्हारे पापा के जमाने का करवा रहा हूं या फिर तुम्हारे दादा के जमाने का करवा रहा हूं, नहीं भाई ये तुम्हारे ही जमाने का है, इस बार तुमने पेपर दिया होगा, क्या होगा बताना। अब तुम ये बताओ, जब पैंडेमिक था, पैंडेमिक सभी को पता है ना, पैंडेमिक क्या होता है, दो होते हैं, एक एपिडेमिक होता है एक पैंडेमिक होता है, जब कोई डिजीज आपकी पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो उसे बोलते हैं पैंडेमिक, ठीक है, और जब वो एक लिमिटेड एरिया तक ही रहती है तो उसको क्या बोलते हैं, एपिडेमिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एपिडेमिक, क्लियर है इतना। अब ये वाला क्या है, अब तुम खुद ही बताओ ना, ड्यूरिंग द पैंडेमिक द इंडिजेंट पीपल हैड टू सफर अलॉट, किसको सफर करना पड़ा, ऑप्शन यहां पर सीधा सीधा दिख ही रहा है, किसको करना पड़ा, पुअर को, खत्म। अब तुम्हें अगर इसका मतलब नहीं पता, इसका मतलब नहीं पता, इसका मतलब नहीं पता, भाई ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप सीधा एलिमिनेशन मेथड ऐसी लगा दोगे, इसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, ऐसी नहीं लगेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है, ऐसे तो लगेंगे नहीं, तुमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसके लिए काम करना पड़ेगा, वो कैब्स याद करनी पड़ेंगी। जैसे अगर मैं ओपुलेंट की बात करता हूं, जो बहुत ज्यादा रिच होता है ना उनको बोलता है ओपुलेंट, ठीक है, ओपुलेंट क्या होता है, एक होता है ओपियम, वो तो होता है जो नशा वो होता है ना, जिससे आपकी नशीली चीजें बनती है, वो ओपियम होता है, ये क्या है आपका, ये ओपुलेंट है, तो यहां पर थोड़ा सा फर्क है। अगला क्या है, प्रॉस्पेरस, ये तो सभी को पता है, प्रॉस्पेरस का मतलब क्या होता है, जो सक्सेसफुल होता है, जो सक्सेसफुल होता है, जो रिच होता है, उसको बोलते हैं हम प्रॉस्पेरस, ठीक है, तो ये भी ऐसी हो गया, रिच भी होता है, हाँ अब जो सक्सेसफुल होगा वो रिच तो होगा ही। सॉल्वेंट का मतलब भी क्या होता है, कि सॉल्वेंट क्या होता है, जो आसानी से घुल जाए, सॉरी जिसमें घोलते हैं चीजों को, पता है ना, तो ये भी क्या होता है, अगर इंसानों की कंटेक्स्ट में बात करें, जो अपने बिल्स को पे कर सकता है, जिस पर कैपेबिलिटी है, वो का सॉल्वेंट। अब तुम बोलोगे भैया हम लोगों को क्या हर एक को इंडिविजुअली याद करना पड़ेगा, देखो यार इसका एक सोल्यूशन जो मुझे लगता है यार, तो अभी मैंने ना यार एक रिसेंटली एक बुक देखी है, ये है तुम्हारी अग्रवाल पब्लिकेशन की, इसमें मेरे को यार क्या सही लगा ना यार, कि जैसे ना मान लो ये तुम्हारा गिवन है, इसमें एनडीए 1/2023 का ही पेपर है, ठीक है, और इसमें तुम्हारे 22 चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर है, ठीक है, 2012 से लेकर 2023 तक का, और इसमें तुम्हारा जो अभी पेपर हुआ था वो भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा ना यार यहाँ पर तुमको बिल्कुल सिलेबस वगैरह जो है सब कुछ सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, और
सबसे सही बात क्या है इसमें कि ये एक ही बुक है, तुम्हारी मैथ्स की भी एक ही बुक है और जीईटी की भी एक ही बुक है। इसके अलावा ये तुम्हारे हिंदी में भी अवेलेबल है और ये तुम्हारे इंग्लिश में भी अवेलेबल है, ठीक है, तीनों में अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, जरूर से चेक कर लेना। अब बहुत सारे बच्चों को लिंक नहीं मिलता है, यहाँ देखो यार मैंने और भी वीडियोज में इसके लिंक डाल रखा है, तो अगर तुम लोग सिंपल सा यहाँ पर देखो कोई सी भी ये जो इसी पे आई वीडियो, तो यहाँ पर देखोगे ये देखो तुमको लिंक दिख रहा है, तो ये तुम्हारे एग्जाम कार्ड पे भी अवेलेबल है, अमेजोन पे भी अवेलेबल है और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। इसके अलावा तुम देख लेना अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, जहां पर तुमको सही लगता है वहां पर से परचेस कर लेना। और अगर तुम बाई चांस अगर तुम एग्जाम कार्ड से करने वाले हो, ठीक है, एग्जाम कार्ड से करने वाले हो, तो वहां पर तुम लोग एक कोड डालना, क्रैक एनडीए, क्रैक NDA 10, तो तुमको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, साथ में डालना क्रैक NDA 10, तो यहां पर से तुमको सीधा सीधा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी तुम्हारी अपनी कन्वीनियंस है, अमेजोन से लेना है अमेजोन से लो, फ्लिपकार्ट से या फिर एग्जाम कार्ड से, तीनों में अवेलेबल है, आराम से कर सकते हो वहां पर से परचेज। और हिंदी इंग्लिश दोनों में है, हाँ, तो ऐसा मत सोचना कि अगर मेरे को जरूरी है मेरे को इंग्लिश ही में लेनी है, नहीं, हिंदी में भी ले सकते हो, वो भी ज्यादा है नहीं। अब यहां पर क्या है, चैप्टर वाइज आपके हैं, चैप्टर वाइज आपके क्या है क्वेश्चन है और फिर उसका क्या है आंसर है, क्वेश्चन है आंसर है, तो ये सही रहता है कि मतलब तुम्हें ना बार बार भटकना नहीं पड़ेगा यार इसका आंसर कहीं शफल तो नहीं हो गया होगा। जैसे देखो ये थोड़ा सा मैं तुमको ग्लिम्स दिखाता हूँ कैसे करके, ये जैसे ये वाले वर्ड है इतने इसके इतने सारे वो तो नहीं लिख रखे एंटोनिम सिनोनिम, बट यहाँ पर क्या होगा, ऑपुलेंट का मतलब क्या होता है एक्सट्रीमली रिच, सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है यही होता है, प्रॉस्पेरस का मतलब क्या होता है ये होता है, ऐसे करके आपको दे रखे होंगे वर्ड्स, तो काफी ज्यादा सही हो जाता है। अब जैसे देखो ये है तुम्हारा कोई, तो यहां पर तुमको ये दे रखे होंगे, ये तुमको वर्ड्स का मीनिंग दे रखा होगा, तो इस तरीके से तुम्हारा काम थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा। तो अगर तुमको परचेस करना है आराम से परचेस कर सकते हो, फायदेमंद ही रहेगा अगर तुमने अभी तक परचेस कोई भी बुक नहीं की है। चलो अब हम वापस अपनी वीडियो पे आते हैं। अब देखो यार यहां पर अगर तुम लोग इंडिजेंट का मतलब देखोगे, जो इंडिजेंट होता है उसका मतलब क्या होता है, सो पुअर एज टू लैक इवन नेसेसरी थिंग्स, जो बहुत ज्यादा गरीब होता है, जो बिल्कुल अफोर्ड ही नहीं कर सकता आपका नेसेसरी थिंग्स को, तो उसे बोलते हैं हम लोग इंडिजेंट। बाकी इम्प्रोवाइज, डेस्टिट्यूट या फिर ये सारे के सारे वर्ड, कट एंड डाउन एंड आउट, इसके अलावा डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड क्लास सुनी होगी तुम लोगों ने, ब्रोक, इनसॉल्वेंट, ये पैनीलेस, सब ये क्या हमारे, पैनी क्या होता है चवन्नी, तो वो क्या होता है इंडिजेंट का मतलब होता है। अब मैंने इसके अलावा कुछ और वर्ड्स भी बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो भी लिखा रखे हैं, क्योंकि यार इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप अगर नहीं पता होंगे ना, ये वाले वर्ड्स अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, अगर तुमने पहले एनडी के पेपर दे रखे हैं एनालाइज कर रखा है, तुम्हें दिख जाएंगे ये वाले पेपर कि ये वाले वर्ड्स कितनी बार रिपीट होते हैं। जैसे इंडिजीनियस है, इंडिजीनियस का मतलब क्या होता है, जो अकर करता है नेचुरली या नेटिवली, जैसे हम लोगों का अभी अभी प्रचंड बनाना जो हमारा हेलीकॉप्टर है LCH, इसके अलावा तेजस बना है, सब इंडिजीनियसली है, क्या इंडिया में ही बने हैं, ओरिजिनली कहां पर बने हैं, इंडिया में बने हैं, इनिशिएट कहां से हुए, इंडिया से ही हुए हैं, तो ये सब तुम्हारे क्या वर्ड्स है ये आपको याद करने पड़ेंगे। इसके अलावा और भी ज्यादा मैंने वोकैब्स लिखा रखे हैं, तो वो वाले भी जरूर से याद कर लेना, ये एक्स्ट्रा वोकैब्स है, ये PDF में तुमको इस टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, जरूर से यहां से डाउनलोड करके इन वर्ड्स को नोट कर लेना अच्छे से। बाकी देखो अगला वर्ड क्या था यहां पर, शी हैड नो आइडिया वट मेड हिम एंग्री इन 1 मिनट। अब देखो एंग्री करता है 1 मिनट में एंड जोवियल द नेक्स्ट मिनट, मतलब जो मूड स्विंग्स होते हैं, मूड स्विंग्स होता है ना, तो मूड स्विंग्स, 1 मिनट में गुस्सा, जोवियल का मतलब क्या हो तुम खुद सोचो, बस जो तुम सोच रहे हो वही है, खुश, 1 मिनट में गुस्सा 1 मिनट में खुश, तो इसका मतलब क्या होता है। अब यहां पर देखो एग्रीवेट, डोलफुल, ये मेलनकॉलिक, और यहां पर क्या होता है मेडफुल, अब बताओ इसका क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं छोड़ देता, ठीक है, मैं छोड़ देता। और हाँ यार जो लास्ट वीडियो में मैंने इडियम एंड फ्रेजेस में तुमको एक क्लोज शेव बता रखा है ना, रखा था, तो क्लोज शेव का वो कर देना यार, इसको जरा सही कर लेना, इसका मतलब होता है मेराकुलस एस्केप, क्या होता है मेराकुलस एस्केप, उसमें जो ऑप्शन है, तुम ना थोड़ा सा ना वीडियोस के ना थोड़ा सा कमेंट सेक्शन या फिर उसका डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करो जब भी तुम वीडियो देखते हो, क्या होता है ना इतनी सारी चीजें पढ़ाते पढ़ाते एक दो छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, आप क्या कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट सेक्शन को चेक कर सकते हो, देखो यार मैं भी इंसान ही हूँ, ठीक है, हो जाता है कभी कभी, वो तुम्हें बताते बताते गलत टिक हो जाता है कभी कभी, ठीक है, दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती है इसीलिए। बाकी
ऑलमोस्ट सब कुछ सही रहता है। देखो अगली चीज क्या है हमारा, ये वाला थोड़ा सा टफ था, इसका आंसर क्या था, मिथफुल। अब इसके वो क्या होता है, देखो जूवियल का मतलब ये इतनी बार रिपीट होता है ना, जूवियल, जूवियल का सिंपल सा मतलब होता है चेयरफुल, मतलब जो खुश रहे, तो चेयरफुल होता है, जॉली होता है। फिर यहां पर क्या होता है, कॉनिवियल होता है, जैनियल होता है, एमिएबल होता है। अब जहां पर मेरे को एमिएबल दिख गया मतलब फ्रेंडली भी है, फ्रेंडली और एमिएबल क्या हो गए, सिनोनिम हो गए। सोशिएबल होता है, ठीक है, क्लबेबल होता है, स्माइलिंग, वीवियस होता है, केयर फ्री होता है, अनवरिड होता है, ये सब है। तो इस सारे के सारे वर्ड्स लिख देना, इतनी बार रिपीट होता है, तुम जरा प्रीवियस ईयर खोल के देख लेना, तुम्हें यहां पर से इतने सारे वर्ड दिख जाएंगे, बहुत सारे वर्ड दिख जाएंगे। तो ध्यान से, ठीक है, आराम से इसको नोट करना और सारे के सारे को अच्छे से रीड कर लेना कम से कम 10 से 15 बार। अब जो इस तीनों के तीनों वर्ड है ना आपके, डोलफुल हो गया, मेलकॉलिक हो गया या एग्रीवेट हो गया, इन सब का मतलब क्या होता है, इन सब का मतलब होता है जब आप सौरव दिखा रहे हो तो। अब एक यहां पर आता है फीलिंग रिसेंटमेंट, इसका मतलब क्या होता है, बिटरनेस, कड़वाहट, ठीक है, तो ये होता है इसका मतलब। इसके अलावा मैंने कुछ यहां पर वर्ड लिखा रखे हैं, जैसे नाइव हो गया, नाइव क्या होता है, जब आप लैक ऑफ एक्सपीरियंस दिखाते हो, अनसोफिस्टिकेटेड तो इतनी बार वर्ड आता है। इसके अलावा इनजेनरस, क्रेडुलस बहुत बार आता है, ये गलीरेस ये बहुत बार आता है, सब बता रखा है। वनरेबल तुमने काफी बार सुना होगा, वनरेबल स्पीशीज, जो बहुत इजी टू अटैक और खत्म होने वाली है, ठीक है, तो ये क्या होता है, वनरेबल क्या होती है, जो इजी टू अटैक होती है, या फिर क्या बोलते हैं, अनप्रोटेक्टेड होती है। इसके अलावा इसको रेजिस्टलेस और अनफोर्टिफाइड होती है। अब फोर्टिफाइड का मतलब क्या होगा, जो अटैक कर सकते हैं, जिनको टफ होता है अटैक करना। अनफोर्टिफाइड मतलब क्या होता है, जो आसानी से अटैक हो सकती है, प्रेग्नेबल हो गया। तो ये सब क्या है, वर्नरेबल के मतलब है। इसके अलावा एक क्लम्जी होता है, क्लम्जी का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन जब आ जाती है, तो ऑकवर्ड सिचुएशन आ जाएगी तो इन एलिगेंट सिचुएशन, बेकार सी सिचुएशन आ जाएगी। इसके अलावा ग्रेसलेस, इसके अलावा तुम्हारे अनगेनली, अनकोऑर्डिनेटेड, तो ये सब तुम्हारे क्या है, सिनोनियम है इसके। वर्नरेबल, अगर कोई वर्नरेबल है, इजी टू अटैक है, तो रेजिलियंट होगा उसका एंटोनियम, इन वर्नरेबल होगा उसका एंटोनियम, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला क्या है तुम्हारा, इट इज शियर लुएंसी टू ड्राइव अ कार इन दिस फ्रॉस्टी वेदर। फ्रॉस्टी पता है ना, जब धुंध होती है, तो तुम खुद बताओ ये नेगेटिव वर्ड लग रहा है कि पॉजिटिव वर्ड। देखो यहां पर अप्रोच, सोचना कैसे करके वो बता रहा हूं, कैसे लग रहा तुमको फ्रॉस्टी, ये वाला पक्का नेगेटिव ही लग रहा है कि ये आसान नहीं है। इट इज शियर लुएंसी टू ड्राइव अ कार इन दिस फ्रॉस्टी वेदर, फ्रॉस्टी वेदर में ज्यादा टफ हो जाएगा, ऐसी चीज है। नॉर्मल, नॉर्मेलिटी का मतलब क्या होता है, जो चीजें नॉर्मल होती है। अब तुम लोगों ने इनसेन सुना होगा, पागल, इनसेन क्या होता है, पागल, तो सेनेटी क्या होगा, मतलब जो पागल नहीं होगा, जो मेंटली क्या होगा, सही होगा। तो क्या ये दोनों के दोनों सेम वर्ड नहीं होंगे, और इनसैनिटी देखो बिल्कुल सैनिटी का अपोजिट नहीं होगा, आंसर सीधा यही होगा, सीधा सीधा। ये सब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सब सिनोनियम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान में रखना, ये सारे के सारे क्या है, सिनोनियम है, हम लोग सिनोनियम कर रहे हैं इसका, तो सिंपल सी बात है, देख रहे हो। अगर मेरे को दिख रहा है नॉर्मेलिटी और सैनिटी साथ में दिख रही है, इन दोनों का तो मतलब सेम होता है ना, आप जो जस्ट इनका ऑपोजिट दिखे वो क्या हो जाएगा, मेरा सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, लुएंसी क्या होता है, जो मैडनेस होती है, इनसेनिटी, मेनिया, फ्रेंजी, ठीक है, साइकोसिस, इसके अलावा क्रेजीनेस, तो ये सब क्या है हमारे लुएंसी के सिनोनिम्स है। अब यहां पर ये बाकी के दे रखे हैं, अब इस यहां पर बाकी तो तुमको पता चल गया होगा, एक बस ये प्रूडेंस नहीं पता चला होगा। प्रूडेंस का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू गवर्न एंड डिसिप्लिन वन सेल्फ, जब हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं। यहां पर तो नहीं दिख रहा, ये तीनों के तीनों तो सेम है, इसीलिए सी ऑप्शन आया। अब एक बहुत ज्यादा वर्ड क्या आता है, ओवरव्यू, जब आप क्या दिखाते हो, बहुत स्ट्रांग इमोशन दिखाते हो, उससे बोलते हैं हम लोग क्या, ओवरव्यू, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, ओवरकम, डिवास्टेट, ब्लू अवे। अब स्ट्रांग अवे इमोशन में तुम किसी को फोड़ भी सकते हो, ये वो वाले वर्ड है। इसके अलावा दूसरा होता है सबमर्ज करना, डुबाना किसी को, तो स्वैम्प करना, सबमर्ज करना, क्लॉक करना, एनगल्फ करना, सब ये चीज है, सब इसके सिनोनिम है, सब लिख लेना, एक भी मत छोड़ना। अगला देखो, अगला क्या है यहां पर, ऑपरेटिंग ऑन द चाइल्ड विथ कैंसर नीड्स मेटिक्यूलस प्लानिंग एंड टीम वर्क। अब अगर आप बच्चे पे कर रहे हो, बच्चा क्या है, बहुत छोटा होता है, तो बहुत ज्यादा आपको केयर के साथ करना पड़ेगा, आपको क्या चाहिए होगा, स्ट्रांग, प्लेफुल, लॉन्ग, या फिर स्कल्पचरस। स्कल्पचरस क्या, स्कल्पचर पता है तुमको क्या होता है,
जब मूर्तिकार जैसे बनाते हैं, स्टैचू टाइप का बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मतलब जो खोद खोद के बनाते हैं वो होता है ना। अब अगर हल्का सा भी स्टोन में क्या हो गया, थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर लगाया, क्रैक कर जाएगा, तो वहां पर भी तुमको क्या चाहिए होता है, बिल्कुल बहुत ज्यादा बारीकी चाहिए होता है, एक्यूरेसी चाहिए होता है। तो क्या ये दोनों का मतलब सेम नहीं है कि नहीं है? बाकी देख लो, रिलेट करके देखो, देखो बच्चे बच्चा है, बच्चे को बहुत एक्यूरेसी के साथ आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी और टीम वर्क चाहिए होगा। आंसर इस तरीके से रिलेट करो यार चीजों को, ठीक है? रिलेशन कभी कभी जो तुम लगाते हो, ठीक है, मैं मानता हूं कि कभी कभी वो गलत जाएगा, बट बहुत टाइम सही भी जाएगा। ये फिर से ये वर्ड है, जैसे वेलेंट हो गया, ब्रेव होता है, ऑडेशियस होता है, तो ये सब क्या हमारे वर्ड्स है, लिख लेना इनको। और जो लाल में लिख रखा है ये इसके एंटोनियम है, ठीक है? अब जैसे मैंने तुम लोगों से एक वर्ड पूछा था, याद है, एलोक्वेंट, जो बहुत ही ज्यादा फ्लुएंट बोलता है। जैसे मान लो कोई बहुत ज्यादा फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा है, मैं क्या बोलूंगा, ही स्पीक्स इंग्लिश एलोक्वेंटली, या फिर कोहरेंटली, मतलब क्लियर होता है, कोहरेंटली का मतलब विविड होता है, विविड का मतलब भी क्लियर होता है, कॉगेंट होता है, रिदमिक होता है, परसुएसिव होता है, तो ये सब क्या होता है, एक्सप्रेसिव, कॉम्युनिकेटिव, ठीक है, आर्टिकुलेट, सब का मतलब ये होता है। अब आर्टिकुलेट हो गया, इनआर्टिकुलेट, जर्की क्या होता है, जो करता रहता है, अच्छा बीच में करता ही नहीं रहता, वो जो जैसे पाकिस्तान के जो कमेंट वो होते हैं, जो आपके प्लेयर्स होते हैं, वो क्या करता रहता है, आ ही करता रहता है, वो बोलते कम है और आ जाता है, इंशाल्लाह बॉयज प्ले वेरी वेल, बस आखिरी में, तो वही चीज है बस आपका। तो वो क्या होते हैं आपके, एलोक्वेंट नहीं होते हैं, तो कैसे होंगे, वो जर्की होंगे। नेक्स्ट क्या हो गया तुम्हारा, द थ्रिल ऑफ ओवर स्पीड। अब देखो, थ्रिल ऑफ ओवर स्पीडिंग द व्हीकल कैन बी एग्जिलरेटिंग, बट इट इज इंपॉर्टेंट नॉट टू टेक द कॉन्सिक्वेंस लाइटली। अब तुम खुद ही बताओ, जब थ्रिल आप क्या कर रहे हो, बहुत तेज चला रहे हो, थ्रिल क्या होता है व्हीकल का, बहुत ज्यादा एग्जिलरेटिंग होता है, मतलब बहुत ज्यादा मस्त होता है। अब जब मस्त होगी कोई चीज तो क्या होगी, हम ड्रम होगी। अब यहां पर तो सीधे सीधे चार ऑप्शन देखो, तुम्हें एक ही पता चलेगी, बस खत्म, एक्साइटिंग, यही होता है, एक्साइटिंग ही तो होता है जब थ्रिल होता है, बस। अगला क्या होगा तुम्हारा, यहां पर मैंने तुमको थोड़ा सा एमेच्योर मतलब क्या होता है, प्रोफेश्नल। अब तुम लोगों ने एक और जगह देखा होगा एमेच्योर, अब वो बताने की जरूरत नहीं, ठीक है? अब ब्रोक इंटू क्या होता है, जब चोर तुम्हारे घर में घुस जाता है, वो क्या करता है, सडनली आ जाता है, तो ब्रोक इंटू होता है। इरांड क्या होता है, जो आपकी शॉर्ट जर्नी होती है, जैसे जोमेटो वाला, स्विगी वाला, है ना, कुछ चीज डिलीवर करने के लिए आता है, लेकिन ये मैसेज की बात करते हैं, तब होता है इरांड। अगला क्या है, द रिडेम्पशन विल नाउ डिपेंड ऑन हिज न्यू स्ट्रैटेजी ऑफ इंक्लूसिवनेस। अब इंक्लूसिवनेस का मतलब थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं, इंक्लूड करना, तो द रिडेम्पशन, रिडीम सुना है तुम लोगों ने कहां पर, कि तुमको 1 GB का कूपन रिडीम हुआ है, तो ये बताओ रिडीम का मतलब क्या होता है, किसी चीज को रिट्रीव करना, किसी चीज को एक्सेप्ट करना होता है, ये तो तुम्हें ही पता होगा, जनरल सा वर्ड है भाई, जनरल सा वर्ड है, तो क्या होता है इसका, रिट्रीवल, समझ रहे हो क्या होगा इसका, रिट्रीवल होता है। तो बस ये तुम्हारा हो जाएगा। अगला क्या होगा तुम्हारा, ओनली 3 कैंडिडेट्स आर नाउ इन कंटेनमेंट फॉर द टाइटल। सिर्फ 3 कैंडिडेट्स क्या है, बचे हुए हैं कंटेनमेंट ऑफ द टाइटल। तो कंटेनमेंट का मतलब क्या होता है, देखो ऑप्शन पढ़ लो, इन्वॉल्व इन डिस्प्यूट, इन एग्रीमेंट विद ईच अदर, चांस ऑफ विनिंग, एमिएबल, मैंने बताया था फिर एमिएबल का मतलब अभी ऊपर, फ्रेंडली, तो ये बताओ फ्रेंडली टू ईच अदर। अब ये बताओ कभी क्या कोई चीज, अगर तुम क्या करते हो, सिर्फ 3 बच्चे बचे हैं क्या करने के लिए, कंटेनमेंट ऑफ द टाइटल, टाइटल को क्या करने के लिए बचे होंगे, बहुत सारे बच्चे क्या बोलेंगे, भैया चांस ऑफ विनिंग है आंसर, बट ये नहीं है, नहीं है ये। देखो एमिएबल टू ईच अदर, फ्रेंडली है एक दूसरे के, इन अग्रीमेंट विद ईच अदर, ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। अब अगर आप ये हैं तो चांस ऑफ विनिंग, इन्वॉल्व इन अ डिस्प्यूट, इसका आंसर जो है वो ये था, मोस्ट ऑफ द बच्चों का गलत होता, होता है भाई ऐसा होता है, मैं तुमको इसीलिए बता रहा हूं, एक दो क्वेश्चन तुम्हारे गलत होंगे, बिल्कुल होंगे भाई, बट ऐसा होगा कि अगर आपने काफी ज्यादा वर्ड्स लिखे हैं ना, अब ये वाला क्या है, ये वाला तो सीधे सीधा मतलब पता होना चाहिए था, बट अगर तुमको आते हैं, जैसे एनवे हो गया, अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, भैया एनवे, एनवे का मतलब क्या होता है भैया, 40 ही, नहीं भाई ये है एनवी, एनवे, और ये होता है एनवॉय, इसका मतलब होता है एम्बेसडर, तो आपको एग्जैक्ट वर्ड भी पता होना चाहिए, समझ में आ गया, ग्रीन आइड मॉन्स्टर एक बार इडियम एंड फ्रेज में आ गया था, ठीक है, एम्बोल्ड, एम्बोलेंट,
तो इसका मतलब क्या होता है, एनकरेज। तो आपको पता होने चाहिए यार, कुछ वर्ड्स होंगे गलत बट हाँ मोस्ट ऑफ द सही हो जाएंगे अगर प्रैक्टिस करोगे तो। और वकाब भी याद करनी पड़ेगी। अब जैसे ये है ऑल माई फिशिंग, अब ये मुझे नहीं पता इसका मतलब, इज इन द कार। अब ये बताओ ऑल माई फिशिंग डैश इज इन द कार मतलब क्या होगा। अब फिशिंग अगर आपको करनी है, क्या यहां पर फिश लिखा हुआ कि फिशिंग लिखा हुआ। अब फिशिंग का क्या होता है, क्या फिशिंग के फ्यूल होता है, बिल्कुल भी नहीं। फिशिंग बॉक्स एसेसरीज फूड, फिशिंग का क्या होता है, बॉक्स देखा तुम लोगों ने है ना, लेकिन सिर्फ क्या बॉक्स ही होता है उसमें, नहीं भाई उसकी डंडी होती है मेन चीज, क्या वो बॉक्स में आएगी, नहीं। तो ये क्या बोल रहा, ऑल माई फिशिंग ये नहीं पता इज इन द कार। अब सारी की बात कर रहा है तो सिर्फ फूड की तो बात करेगा नहीं, बॉक्स की तो बात करेगा नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा पूरी की पूरी एसेसरीज की बात करेगा। किसकी बात करेगा, पूरी की पूरी एसेसरीज की बात करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, एसेसरीज हो गए। अगला क्या है, द पब्लिक वॉच्ड इन एस्टोनिशमेंट एज ही टुक अ सडन जंप फ्रॉम द ब्रिज। तो जो पब्लिक है उसने देखा, वॉच इन एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट का मतलब तो सभी को बताने यार, सरप्राइज होता है कि मतलब एकदम से बहुत चक्का हो जाना, हमेशा मैं बोलता हूँ। तो यहां पर क्या होगा, हरिडली होगा नहीं, कामनेस होगा नहीं, एंटिसिपेशन होगा नहीं, वंडरमेंट होगा। वंडरमेंट का क्या होता है, बिल्कुल चौंक जाना वो चीज। नेक्स्ट किया तुम्हारा, ड्रिंकिंग इन ऑर्डिनेट अमाउंट ऑफ लिक्विड इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो ड्रिंकिंग इन ऑर्डिनेट अमाउंट ऑफ लिक्विड इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, क्या होगा इसमें, इन ऑर्डिनेट का मतलब क्या होगा पता नहीं, लेकिन ड्रिंकिंग इन ऑर्डिनेट अमाउंट ऑफ लिकर, सॉरी यार लिकर ये था है, लिकर जो है वो क्या है, इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। लिकर क्या होता है, दारू, ये अच्छी नहीं है। जब अच्छी कब नहीं होगी, अच्छी कब नहीं होगी, जब आप क्या करोगे इसको रेगुलरली पियोगे। मॉडरेट का मतलब क्या होता है, कभी कभी, कंट्रोल्ड वे में। तो मॉडरेट ये हो गया, कंट्रोल्ड वे में रेगुलर ये हो गया। बट ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एग्जॉर्बिटेंट। ठीक है, यहां पर अगर तुम देखोगे रेगुलर, रेगुलर का मतलब मॉडरेट, टेम्परेट, रेगुलर और ये ठीक है काफी हद तक मिलते हैं, बट रेगुलर का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली में, कि मतलब आप रेगुलरली कर रहे हो। इसका मतलब रेगुलरली का मतलब ये तो नहीं होता ना कि बहुत हाई क्वांटिटी में कर रहे हो, इसका मतलब हाई तो नहीं होता, बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में। बहुत सारे लोग हैं जो कंटिन्यूअसली ये करते रहते हैं, अल्कोहल पीते रहते हैं, बट फिर भी उतनी ज्यादा तो उनकी हेल्थ खराब नहीं होती, तो यही है। यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब हाई नहीं होता, इसका मतलब भी हाई नहीं होता। टेम्परेट, टेम्परेट ग्रासलैंड पता है ना कि ऐसे करके हमारे क्या होता है बीच में, 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ तक ट्रॉपिकल होता है, फिर इसके ऊपर टेम्परेट होता है, तो इसका मतलब भी ज्यादा नहीं होता। ज्यादा किसका हुआ, एक ही बचा हमारे पास ऑप्शन, ये। ठीक है चलो, तो इस तरीके से हम लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा। यहां पर कुछ और वर्ड्स भी लिखा रखे हैं मैंने, ये जरूर से नोट कर लेना। तो इस तरीके से तुम अप्रोच कर सकते हो। बाकी की जो वीडियोज है मैंने वोकैब की वो बना रखी है, उसको भी जरूर से देख लेना, और वो वाली वोकैब्स भी जरूर से याद कर लेना। ठीक है चलो, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और जिसने भी वो वाली वीडियोज नहीं देखी होंगी, यहां पर तुमको पूरी प्लेलिस्ट दिख रही होगी, जरूर से चेक कर लेना।